अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम मौजूद हैं सर आसिफ फारूक के साथ, जो कि ए लेवल्स में इकोनॉमिक्स बच्चों को पढ़ाते हैं और बिजनेस स्टडीज़ पढ़ाते हैं। और सर का बहुत ज़्यादा जो ताल्लुक रहा है वो टीन एजर्स के साथ रहा है, और अक्सर हम सर की वीडियोस सर के पेज पे और मुख्तलिफ जगह पे देखते रहते हैं, जिसमें सर बहुत कंसर्न नज़र आते हैं बच्चों को लेकर। तो आज हमने सर को इनवाइट इसलिए किया क्योंकि एक तो कोविड-19 है और टीन एजर्स को इस वक्त संभालना जो है ना, वो वैसे ही एक बहुत बड़ा चैलेंज था और अब तो बिल्कुल ही फारिग होगा। सर मैं चाहूँगा पहले आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवाएं अपना, तो किस चीज़ ने आपको टीचिंग की तरफ रागिब किया और फिर एक सर्टेन एज के बच्चों को लेकर चलना, पहले इस पर थोड़ा सा सर बात करें। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम मोहम्मद आसिफ फारूक है और मैं ओएनए लेवल्स को इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूँ। टीचिंग की तरफ कैसे आना हुआ, बस ये आप समझ लें कि एक्सीडेंटली आई वाज वर्किंग इन कॉर्पोरेट सेक्टर और वहाँ से एक टीचिंग की अपॉर्चुनिटी मिली, एंड देन आई रियलाइज के दिस इज़ द थिंग दैट आई कैन डू बेटर देन व्हाट आई एम डूइंग इन द कॉर्पोरेट सेक्टर। मैं एक बड़ी कंपनी में एक कॉर्पोरेट सेक्टर में कॉर्पोरेट फाइनेंस मैनेजर था, और वहाँ से फिर बस ऑल ऑफ अ सडन आई स्टार्टेड माय टीचिंग कैरियर, और उसमें फिर मैंने आई स्टार्टेड टीचिंग विद, सबसे पहले तो मेरा इंटरमीडिएट मैंने खुद किया था, तो वहाँ से मेरा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स मेरा एक सब्जेक्ट में पढ़ाता था, और उसके बाद जब मैंने ICMA की तरफ आया तो फिर मेरा कॉमर्स का रुझान हुआ, तो वहाँ से फिर मैंने सबसे पहला सब्जेक्ट मेरा अकाउंटिंग था जो मैंने पढ़ाना शुरू किया, फिर बिजनेस था, बिजनेस स्टडीज़ एक ज़माने में, एंड देन आई स्विच्ड टू इकोनॉमिक्स बिकॉज आई बिलीव के दिस इज़ अ सब्जेक्ट विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आई बिलीव हर टीचर अपना सब्जेक्ट सबसे इम्पॉर्टेंट समझता है, लेकिन और डेफिनेटली इस वजह से मेरा भी प्राइड बनता है कि मैं अपने सब्जेक्ट को बोलूँ कि ये सबसे इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, और इसने मुझे इस तरफ मतलब राग़िब किया कि मैं पढ़ाना शुरू करूँ। और फिर जब मैं बच्चों को पढ़ाना शुरू किया तो अंदाज़ा हुआ कि हमारी कॉम को बहुत ज़्यादा गाइडेंस की ज़रूरत है, क्योंकि हमने भी पढ़ा था और फिर वही बात है कि हमने देखा कि एक गैप बहुत ज़्यादा था बिटवीन द टीनएजर्स एंड देयर पेरेंट्स, और फिर टीचर्स में भी बड़ा गैप था, तो उस गैप की वजह से बच्चा टीचर की बात समझ ही नहीं पाता था, और टीचर्स भी नॉर्मली उस लेवल पे आ नहीं पाते थे। वही बात है, एक PhD डॉक्टर है, उसको आप बोलें जी आप ओ लेवल को इकोनॉमिक्स पढ़ाएं, तो उसके लिए बड़ा मुश्किल रहता है इस ओ लेवल के बच्चे को इकोनॉमिक्स पढ़ाना, कि वो सही एक सर्टेन लेवल पे है, उस लेवल से इतना नीचे उसको उतरना उसके लिए बड़ा मुश्किल था। तो देन आई रियलाइज के लिए दिस इज द थिंग दैट आई हैव टू डू, और फिर मैंने पहले ओ लेवल स्टार्ट किया, फिर ए लेवल अल्हम्दुलिल्लाह, और अब अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है कि चीज़ें चल रही हैं इस तरह से। तो ये एक छोटा सा मेरा टीचिंग का बैकग्राउंड था। इट्स बीन अराउंड 20 इयर्स नाउ आई एम टीचिंग इकोनॉमिक्स टू ओएलए लेवल्स। सही। अच्छा, वैसे तो सर हमारा टॉपिक टीन एजर्स को लेकर है, लेकिन चूंकि इकोनॉमिक, मैं खुद भी इकोनॉमिक्स का तालिबे इल्म हूँ, और मुझे भी ऐसा ही लगता है कि ये सब्जेक्ट तो स्कूल लेवल पे पढ़ाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और सही कॉन्सेप्ट्स के साथ, खासतौर पर रिलीजियस अलाइनमेंट के साथ इसको पढ़ाना ज़रूरी है, क्योंकि तो मैं चाहूँगा इस पर थोड़ी सी बात कर लें पहले कि इस सब्जेक्ट की इम्पोर्टेंस क्या है, क्योंकि कैम्ब्रिज में तो फिर भी ये 10th स्टैंडर्ड या ओ लेवल्स में आ जाता है, हमारे यहाँ तो जिसने कॉमर्स ले ली इंटरमीडिएट में या ग्रेजुएशन में तो उसे थोड़ा सा ये मिल जाता है, वरना जो मेडिकल साइंस वाले हैं या जो इंजीनियरिंग साइड है या साइंस की साइड है उनको तो हमारे इंटरमीडिएट सिस्टम में इस टॉपिक का या इस सब्जेक्ट का कभी फ्लेवर मिलता ही नहीं है, और इसकी इम्पोर्टेंस में मैं चाहूँगा आप थोड़ी सी पहले बात करें फिर टीन एजर्स। बिल्कुल, जरा समझने की बात है कि हमारे यहाँ एक ट्रेंड बना हुआ है कि जिस सब बच्चों ने इंजीनियरिंग डॉक्टर ही बनना है, एक बड़ा मसला है ये, मतलब कोई कोई माँ कोई बाप अपने बच्चे को इमाम मस्जिद ही बनाना चाहता, ये समझ में नहीं आती बात कि जब आप अपने बच्चे को इमाम मस्जिद ही बनाना चाहते तो फिर इमाम मस्जिद कौन बनेगा, तो फिर अब जो बने हुए आप उनको गालियाँ क्यों देते हैं, आप उन्हें बुरा भला क्यों कहते हैं, अगर आपको ये बुरे लगते हैं आप कहते हैं ये दीन को तोड़ मोड़ के पेश करते हैं और दीन के अंदर सख्तियाँ पैदा करते हैं, तो भाई अपने बच्चे को आप तैयार करें और मस्जिद का इमाम बिल्कुल वो बन सकता है, कोई मसला नहीं है इसके अंदर, आपके बच्चों को नमाज जनाजा पढ़नी आनी चाहिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह जब मुझे अपने पास बुलाएगा तो मेरी औलाद जो है मेरा बेटा जो है वो मेरी नमाज जनाजा पढ़ाएगा, मुझे गुसल वो देगा, कोई बाहर से नहीं आएगा, कुरान खानी करवानी है मोहल्ले के बच्चों को बुला के, मदरसे के बच्चों को बुला के कुरान खानी करवा दो, भाई माँ मेरी है बाप मेरा है तो उस इसाले सवाब के लिए मुझे पढ़ना है,
मदरसे के बच्चों को पढ़ना है, पहली बात तो समझने की यह है कि सब्जेक्ट की इम्पोर्टेंस क्या है, आप जो पढ़ रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है क्यों, तालीम वैसे इम्पोर्टेंट है, आप किसी भी किस्म की तालीम हो। अब इसमें इकोनॉमिक्स की अगर बात करते हैं तो दुनिया में जितने बड़े बड़े लीडर्स आज तक गुजरे हैं, हमारे जो करंट लीडर है इमरान खान साहब, जिसको इस वक्त शायद पूरे पाकिस्तान में शायद लोग बड़े इनको प्रेज करते हैं, बड़ी इनकी वैल्यू है दुनिया भर में, और एक बड़ी यूनिवर्सिटी के ये वाइस चांसलर भी रह चुके हैं एक ज़माने तक, तो इन्होंने क्या पढ़ा, तो अगर आप हिस्ट्री उठा के देखें पढ़ा क्या इन्होंने, तो इनके पास था फिलासफी, वन ऑफ द मोस्ट डिमांडिंग सब्जेक्ट्स, जिसको शायद पाकिस्तान जैसे मुल्क में तो गाजी रह जाती, लोग कहते हैं कि ये बच्चा करेगा क्या फिलासफी पढ़ के, दूसरा पॉलिटिक्स और तीसरा इकोनॉमिक्स, ये तीन सब्जेक्ट दुनिया भर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आते हैं, जिन्हें कि बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ इन कोर्सेज को ऑफर करती हैं, और बड़े बड़े लोग इसके अंदर लाइनों में लगकर मतलब दो दो तीन तीन साल का गैप लेके इन कोर्सेज करते हैं, कोई जगह नहीं मिलती, लेकिन हमारे यहाँ तो इसको कोई मतलब इम्पोर्टेंस ही जाती, खास तौर पर कॉमर्स का बच्चा तो ऐसा समझा जाता है कि वो दुनिया का फारिग तरीन इंसान है, यानी आप पेरेंट्स कभी बात करें कि जब खानदान में गैदरिंग होती है तो आपके बच्चे ने क्या दी, मेरा बच्चा डॉक्टर है जी, ओह वाह क्या बात है, आपका बच्चा कौन है, मेरा बच्चा इंजीनियर है, वाह जी वाह क्या बात है, आपका बच्चा क्या कर रहा है जी, मेरा बच्चा कॉमर्स पढ़ रहा है, ये लूजर है, इसे ज़िंदगी में कुछ नहीं करना क्योंकि इसने कॉमर्स पढ़ी है। तो पहली चीज़ तो इस परसेप्शन से बाहर निकलने की ज़रूरत है कि भाई तालीम तालीम होती है, आप उसको तालीम समझ के पढ़े, आप उसे प्रोफेशन क्यों बना रहे हैं, ये प्रोफेशन कहाँ से आ गया बीच में, मतलब तालीम अगर प्रोफेशन तो फिर तो मतलब पैसे कमाने के लिए तो बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे तरीके हैं, दो नंबर अभी हमारे इतने करप्ट लीडर्स और बैठे हैं ऊपर, तो ये क्या करके आए हैं, इसी तरह के दोनों नंबर इंस्टीट्यूट से पढ़ पढ़ा के ये सब ऊपर आके बैठे हुए हैं, आज हमारे स्कूलों में गधे बंधे हुए हैं, भैंसे बंधी हुई हैं, वहाँ पर जमींदार आ जाता है वो हमारे स्कूलों के अंदर कब्जे कर लेता है, उस्तादों को पढ़ाने ही देता, तो फिर यही कुछ होगा हमारे साथ, तालीम को तालीम समझ के पढ़ें, उसको ये मत समझें कि सिर्फ प्रोफेशन आपने क्या चूज़ करना है, ये तो बात की बात है। दूसरी बड़ी बात हमारे बच्चों के अंदर प्रॉब्लम क्या है, पैशन नहीं है, पैशन, देखिए कोई भी चीज़ अगर पैशन नहीं हुई ना तो आप उसके अंदर आगे नहीं जा सकते, क्योंकि आपने गोल ही सेट नहीं किया हुआ, अब आपकी ज़िंदगी का पैशन है कि मैंने घर बनाना है, तो आपका पैशन है घर बनाना तो भाई बन जाएगा घर, कोई मसला नहीं है, आपका पैशन है कि मैंने इस दुनिया को सही करना है तो बन जाएगा। आजकल बड़ा मशहूर एक ड्रामा चल रहा है अर्तुगरुल गाजी, शायद आपने भी किसी ने देखा हो, तो उसमें आप देखिए उस शख्स का पैशन है, जो अर्तुगरुल गाजी जिस जो किरदार है, देखिए उसका एक पैशन है कि मैंने इस्लामी दुनिया के लिए कुछ करना है, अब वो किस छोटे से कबीले से उठ के आया, उसने इस्लामी दुनिया के लिए क्या बड़ी ऑटोमन एम्पायर, एक सल्तनत उस्मानिया उसने बना दी, कौन था वो, कहाँ से उठा, जितने बड़े हीरोज हैं हम उनको उठा के देखें वैसे ही आए थे, कोई ऐसा नहीं था जैसे सोने का गमछा लेके मुंह में पैदा हुआ। अल्लामा इकबाल की अगर मिसाल लें तो अल्लामा इकबाल, एक आपको हज़ार उनसे इख्तलाफात होंगे, मैं उसमें नहीं जा रहा, लेकिन अल्लामा इकबाल जब पैदा हुए तो इनकी इनके वालिद जो थे वो बैंक में काम करते थे, और वालदा जो है उन्होंने इनको दूध नहीं पिलाया अपना, उन वालदा ने बकरी पाली, कपड़े सीखे, उसके गुजारा करती थी, कहती थी कि मेरा शौहर जो है वो बैंक की मुलाजमत करता है, वहाँ पर सूदी कारोबार है, मेरा बच्चा सूद नहीं खाएगा, क्योंकि मैं अपने शौहर का दिया हुआ खाती हूँ तो मेरा दूध जो है उसमें सूद की मिलावट है, तो मैं अपने बच्चे को अपना दूध नहीं पिलाऊंगी, बकरी का दूध पिलाया गया। इस तरह से पैदा होते हैं हीरो, ये होती है माँ बाप की तरबियत, और इस तरह से हीरो पैदा होता है दुनिया के अंदर। क्या पढ़ा इलामा इकबाल ने, फिलोसफी पढ़ी इलामा इकबाल ने, अब आप देखिए कितना बड़ा फिलोसफर हमारे दरमियान गुजरा, उसकी क्या क्या बातें हैं, दुनिया उसके ऊपर PhD करवाती है, हमारे उसकी कोई औकात ही नहीं बेचारे की। तो पहली बात समझने की चीज़ है कि सब्जेक्ट आप कुछ भी पढ़ें, खुदा के वास्ते उसके अंदर प्रोफेशन को मत लेकर आए, उसके अंदर पैशन को लेकर आए, पैशन होना चाहिए, देयर शुड नॉट बी प्रोफेशन, इट मस्ट बी पैशन। जब आप पैशनेट होंगे ना तो इंशाल्लाह आप इस दुनिया को बदल के रख देंगे, लेकिन अगर आपका मकसद इतना छोटा सा हुआ कि जनाब मैंने जो है वो एक घर बनाना है, मेरे बच्चे अच्छे हो, मेरी प्रॉपर्टी अच्छी हो, तो यार ये तो कोई भी कर लेगा, ये तो गोल ही नहीं हुआ। दुनिया में किसी एक बड़े मशहूर एक साहब, उनके इनका कॉल है, मैं कोट कर रहा हूँ यहाँ पर, मुझे याद नहीं आ रहा कि किसका उन्होंने बताता मैं आपको, तो उन्होंने कहा कि लोग जो है ना वो अपना गोल, अपना एम, जिंदगी का मकसद बहुत छोटा सेट करते हैं। दुनिया में लोग इसलिए फेल नहीं होते कि उनका एम बहुत हाई होता है, दुनिया में लोग इसलिए फेल होते हैं कि वो अपना ऑब्जेक्टिव बहुत ही छोटा सेट करते हैं और फिर उसको हिट कर लेते हैं, दैट्स अ फेलियर। क्योंकि देखिए पैशन, ऑब्जेक्टिव, आपका एम, आपका मिशन वो होना चाहिए कि आपके मरने के बाद भी चले, यानी इंसान मर जाए
लेकिन उसका जो जिसका पैशन है वो नहीं मरेगा। जब अबरतल गाजी मर गया, उसके बेटे ने उसको आगे किया, उसके औलाद ने उसको आगे किया, तो ये क्या था, वो पैशन था ना। तो इंसान मर जाता है, उसका गोल नहीं मरता। तो ऐसे गोल सेट करें जो कि कंटिन्यूस हों, रहती दुनिया तक रहें। ये छोटा सा गोल नहीं सेट करवाए माँ बाप, बच्चों को खाएगा कहाँ से, कमाएगा कैसे, कॉमर्स पढ़ लिया अब तो इसने, अभी क्या करेगा। इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको जिंदगी गुजारना सिखाता है, ये आपको सिखाता है कि किस तरह से कम लिमिटेड रिसोर्सेज के अंदर रहते हुए बेहतरीन उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। हमारे इकोनॉमिक्स में कहा जाता है रिसोर्सेज आर स्कार्स, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, उसका मतलब लिमिटेड निकाला जाता है क्योंकि वांट्स इतनी ज्यादा हैं कि उसके अगेंस्ट। तो जब हम कुरान पढ़े या जब हम दीन को देखें अपने, तो वो तो ये बिल्कुल भी नहीं कहता, वो कहता है कि कायनात में तो रिसोर्सेज पड़ी हुई है, उठाओ लो, तुम्हारे अल्लाह पाक ने तुम पे हर चीज तुम्हें दे दी है, तो हमारे पास रिसोर्सेज ज्यादा है एक्चुअली, हमें यूज नहीं करनी आती। मैं छोटी सी मिसाल यहाँ पे और दूंगा आपको कि दुनिया में सूरज कब से निकल रहा है, जब से दुनिया बनी तब से सूरज निकल रहा है, लेकिन आज तक सोलर सेल क्यों नहीं बन सका, इस एनर्जी का इस्तेमाल क्यों नहीं आ सका। तो इस एनर्जी का इस्तेमाल इसलिए नहीं हो सका कि लोगों ने पहले इस पर तहकीक नहीं की। तो क्या मतलब निकलता है कि हमें तहकीक करनी चाहिए, हमें रिसर्च में आगे जाना चाहिए, जो कि अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट ही नहीं है रिसर्च का, क्योंकि कॉन्सेप्ट किसका, रट्टे का है। अगर किसी बच्चे का ए ग्रेड नहीं आया, अल्लाह माफ करे, वो तो मतलब इंसान की कैटेगरी से बाहर निकल गया। और हर शख्स जो है वो आके पूछता है बच्चे का रिजल्ट आ गया, अब सबसे पहला फोन आएगा फुफो का, हाँ जी बेटा क्या रिजल्ट आया, तो भाई मेरे बच्चे का रिजल्ट है, दैट्स हिज प्राइवेट प्रॉपर्टी, क्यों बताऊं मैं आपको। घर बाहर निकलेंगे, पड़ोसी मिल रहे हैं, और सब बच्चे का एग्जाम रिजल्ट आ गया, क्या ग्रेड आया, तो भाई आपको क्या लेना देना इससे, मेरे बच्चे का रिजल्ट है, वो फेल हो पास हो, वो डिस्टिंक्शन लाए, वो ए ग्रेड लाए, वो ए स्टार लाए, दैट्स माय प्रॉब्लम, और मेरे बच्चे का इशू है। आप कौन है पूछने वाले यार, आप क्यों पूछ रहे हैं मुझसे बार बार। और पूछने के बाद सीक्रेट है, अच्छा चले कोई बात नहीं, बच्चा और मेहनत करेगा और अच्छा आ जाएगा। यार सीक्रेट क्या होता है, क्या मतलब सीक्रेट के लिए बच्चे ने पढ़ानी है कभी, मतलब सीक्रेट ऐसे ही आ जाता है। तो हर बच्चा क्या ए स्टार ला सकता है, हर बच्चे की अलग अलग कैपेसिटी होती है, हर बच्चा अलग चीज में जो है वो स्पेशलाइज होता है। अल्लाह पाक ने इस दुनिया में जब एक बच्चे को उतारा, एक इंसान को उतारा, तो उसके लिए मकसद था, कोई मकसद था उसको उतारने का, ऐसे ही नहीं उतार दिया कि उतर गया और उतर के वो बस काम करना शुरू हो गया, उसका कोई मकसद था। आप सोचें कि एक इंजीनियरिंग, एक आपकी कार मैन्युफैक्चरिंग फर्म है, क्या ये कार मैन्युफैक्चरिंग फर्म बगैर स्वीपर के चल सकती है, क्या ये बगैर प्लम्बर के चल सकती है, क्या ये बगैर टेक्नीशियन के चल सकती है। अगर पूरी दुनिया के बच्चे डॉक्टर और इंजीनियर बन जाएं, तो क्या ये दुनिया चल सकती है। इस दुनिया में बाकी काम प्रोफेशन के खत्म हो गए, डॉक्टर इंजीनियर के बाद कुछ बचता ही नहीं है क्या। तो दुनिया में बहुत सारी और चीज़ें हैं करने वाली, उनमें बहुत ज़बरदस्त चीज़ें, मैं आपको बताऊँ कि आप रिसर्च करें। रिसर्च, हमारे रिसर्च की कमी है, फुकदान है, ना माँ बाप करते हैं ना बच्चे करते हैं, क्योंकि माँ बाप को भी इस रट्टाफिकेशन वाले प्रोसेस से गुजारा गया, उन्होंने वही रट्टे लगाए, वही पास पेपर पढ़े, फाइव ईयर पढ़ के रट्टे लगा के, टीचर्स ने रट्टे तो बना के उनको एग्जाम में भेजा, उनको पहले से पता होता था कि एग्जाम में क्वेश्चन कौन से आने हैं, वो बता देते थे, वो एग्जाम पास किया, आपकी ए स्टार आ गए जनाब, आपने इंजीनियरिंग कर ली। आप सोचें कि इतने बड़े हमारे इंजीनियरिंग के इदारे हैं, हमारे मेडिकल के इदारे हैं, हमने क्या चीज़ इन्वेंट की, जरा गिने बैठ के, 70 साल हमें हो चुके, मोर देन 70 ईयर्स नाउ, आप ये बताएं हमारी इन्वेंशन क्या है, हमारी क्या इन्वेंशन है, जरा गिनवा दें। ये फिंगर टिप्स पे मतलब 3-4 के बाद आपका हाथ खत्म हो जाएगा। और यूरोप ने क्या किया इतने 70 सालों में, दूसरे मुल्कों ने क्या किया इन 70 सालों में, उन्होंने रिसर्च की। आपका प्रॉब्लम ये कि रिसर्च नहीं कर पाते। और सबसे बड़ी जो हमने गड़बड़ कर दी है, वो कर दी, हमने तालीम को मुआश से जोड़ दिया। बिल्कुल, हमने तालीम को जोड़ दिया किससे, अर्निंग से, पैसे से जोड़ दिया। अब यहाँ हो गई गड़बड़, ये है इशू। तालीम को पैसे से मत जोड़ें, पैसा कमाना एक अलग चीज़ है, इंसान बाद में उतरता है, उसका रिस्क पहले उतर जाता है। तो अगर जो इसका मतलब है, जो बिल्कुल बेवकूफ़ बच्चे बेचारे होते हैं, कुछ बेचारे नहीं पढ़ाई में आगे नहीं जा पाते, तो क्या वो भूखे मर जाते हैं। लेकिन आप देखिए, वो भी जिंदगी में बड़े काम करते हैं। जो फेलियर होता है, आपके स्कूल का जो बैक बेंचर होता है, जो वहाँ बैठ के मस्ती करने के अलावा कोई काम ही नहीं होता उसके पास, ठीक है जी, आखिरी दिनों में पढ़ के वो बी ग्रेड ला के पास हो जाता है बड़ी मुश्किल से। और बहुत सारे ऐसे फेलियर होते हैं, आप उन्हें लूजर कहते हैं, उन्हें फेलियर कहते हैं, कल को वो आपके सामने वाले बंगला बनाता है आपसे बड़ा, आपसे बड़ी गाड़ी में घूम रहा होता है। तो अगर ऐसा है, तो फिर तो पढ़ाई के बगैर तो इसका तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता। तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मुआश को, पैसों को, अर्निंग्स को, अपनी प्रोफेशन को अपने तालीम से मत जोड़ें। तालीम हासिल करें ताकि आप अपना पैशन, आपका जो पैशन है उसको पूरा कर सकें।
सही जी मैम। सर, ये बात बिल्कुल आपने क्लियर की कि जो है ना लोगों ने, बल्कि हमारे यहाँ तो यानी गोरा फिर भी अगर वो प्रोफेशनल चीज को देख रहा है तो वो उसमें भी वो उस फील्ड में कुछ करना चाहता है, रादर ये कि वो देखे कि उस फील्ड से पैसा कैसे बनाया जाता है। और हमारे यहाँ मेजोरिटी यही चीज है। अच्छा, हम चूंकि बात तो टीन एजर्स पे कर रहे हैं, लेकिन हमारा कंसर्न ये है कि पेरेंट्स तक कुछ बातें जाए। मैं ही सर आपसे पूछना चाहूंगा कि इसमें यानी जो इस वक्त टीन एजर्स को चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, वो उसमें पेरेंट्स का कितना रोल है? यानी अगर किसी बच्चा बिगड़ रहा है या बच्चा जो है ना वो किसी गलत एक्टिविटीज की तरफ जा रहा है, तो उसमें पेरेंट्स का रोल कितना है? या तो पहले टीन एजर के जो चैलेंजेस आपने देखे लोग बच्चों को फेस करते हुए, या तो पहले वो डिस्कस कर लें और फिर उसके बाद इसको डिस्कस कर लें कि इसमें पेरेंट्स का रोल क्या है, यानी पेरेंट्स की तरफ से कहाँ मिस्टेक हो रही है। जी ना, तो बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त चीज़ आपने आइडेंटिफाई की और बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है ये आजकल कि ये जो बच्चे हैं आप जो कह रहे बिगड़ रहे हैं, तो मेरे हिसाब से कोई बच्चा नहीं बिगड़ रहा, कोई भी बच्चा बिगड़ नहीं रहा। प्रॉब्लम क्या है कि उसको सही गाइडलाइन नहीं मिल रही, वो सही गाइडलाइन ना मिलने की वजह से उसने कहीं देखिए एक जगह एनर्जी है, वो एनर्जी उबल रही है वहां से, ठीक है ना। आपने उसको एक गुब्बारे में बंद किया हुआ, एक टाइम है गुब्बारा फट जाएगा। आप बोलिए गुब्बारा खराब है, नहीं, प्रॉब्लम ये कि आपने उस एनर्जी का इस्तेमाल सही नहीं किया। वो चीज बिल्कुल सही है, इस्तेमाल सही नहीं हुआ यानी वो बच्चा गलत खराब नहीं है, उस बच्चे की स्किल्स का इस्तेमाल गलत हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे आदत है रोल बहुत ज्यादा पेरेंट्स का। अब पेरेंट्स अनफॉर्चुनेटली अपने आप को हर पे आखिर समझते हैं, बड़ी माजत के साथ सारे पेरेंट्स से वो समझते हैं कि हमसे बेहतर तो कोई है ही नहीं। हर घर में कैसेट बजती है, हर घर में कैसेट बजती है आधे घंटे की रोज, और उसमें बाप के गुण गिनवाए जाते हैं। देखो तुम्हारा बाप सुबह दोपहर शाम तुम्हारे लिए काम करता है, वो तुम्हारे लिए पैसे कमाता है, यूं करता है, फलां करता है, धमाका करता है, दुनिया जाने काम करता है। फिर माँ के रोल आ जाते हैं, मैं सुबह उठती हूँ तुम्हारे लिए नाश्ता बनाती हूँ, तुम्हारे खाने बनाती हूँ, तुम्हारा सब कुछ करती हूँ। अब यहाँ पर आप बच्चे को क्या जता रहे हैं? आप बच्चे को ये जता रहे हैं भाई कि देखो क्योंकि हम तुम्हारे लिए काम करते हैं तुम इसलिए हमारी इज्जत करो। तो बच्चा खाक इज्जत करेगा, कोई इज्जत नहीं करेगा। अब एक वक्त खुदा ना खास्ता आपके पास एक ऐसा आएगा, अल्लाह ना करे कभी आए, लेकिन बुढ़ापे में डेफिनेटली वक्त आएगा जब बच्चों की जरूरत होगी, तो बच्चा सोच जाएगा ये अब किस काम के मेरे, अब तो जब जब थे तब तो ठीक है अपनी बातें गिनवाते थे, मुझे आज मुझे क्यों सुना रहे हैं भैया, आज क्या करते, आज तो मेरे टुकड़ों में पल रही है, अल्लाह इसका फुरुल्ला। लेकिन बहरहाल बच्चा ही कहता है कभी आज तो मैं कमा के लाता हूँ, तो अब्बा आप पल रहे हैं मेरे मेरे पैसों पे, अम्मा मैं आपको खिलाता हूँ। यानी क्योंकि आपने बचपन से तरबियत ही उसकी ऐसी की कि उसको ये बताया कि बेटा क्योंकि मैं पैसे कमा के लाता हूँ ना, इसलिए मेरी इज्जत करो, क्योंकि मैं तुम्हारे कपड़े धोती हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारे खाने बनाती हूँ, इसलिए तुम मेरी इज्जत करो। यानी मैं माँ हूँ मेरी इज्जत करो, खत्म होगी बात, फुल स्टॉप। मैं बाप हूँ मेरी इज्जत करनी है, दैट्स इट। तो पहली बात तो इसको समझे कि आपने अपनी इज्जत करवानी किस तरह से, आपने उसके लिए एक्सक्यूज नहीं देने, आपने उसके लिए कोई लॉजिक नहीं देनी, आपने कहना माँ और बाप की इज्जत है और है, दैट्स इट, हर पे आखिर खत्म। इस पे कोई कैसे नहीं बजानी आपने अपनी कि मैंने इतने तुम्हारे लिए मेहनत की। और फिर जो मेरा जमाना था वो अलग था और जो आज के बच्चे का जमाना है वो अलग है। आप इस बात को समझने की कोशिश करें, मेरे पास बिगड़ने का कोई रास्ता नहीं था, ना मेरे पास फोन था, ठीक है जी, ना हमारे जमाने में कोई डिश एंटीना थे, ना कोई केबल लगती थी हमारे पास, ना हमारे जमाने में कोई इंटरनेट होते थे, ना हमारे जमाने में गाड़ियां इतनी फ्री मिलती थी कि बच्चे लेके घूमते फिरते रहे। ये सब बिगड़ने वाले काम हमारे जमाने में थे ही नहीं भाई। तो अब अगर मैं बैठ के गिनवाऊं कि जी मैं नहीं बिगड़ा तो आप इसलिए नहीं बिगड़े कि आपके पास बिगड़ने का सामान ही नहीं था भाई। जब जिसके पास है उस वो कैसे बचेगा? अब इससे देखिए ना, अब पूरा दिन आपके हाथ में मोबाइल है, बच्चे के पास इंटरनेट है, बच्चे के पास कंप्यूटर है, बच्चे के पास गाड़ियां हैं, बच्चे के पास पैसे हैं, ये सब कुछ तो आपने उसको दे दिया। अब आप बोल रहे बच्चा बिगड़ रहा है, तो भाई क्योंकि वो बिगड़ने का सामान है तो अब आप अपने आप से उसको कंपेयर नहीं कर सकते। तो पहले तो इस बात को समझें कि आज के चैलेंजेस और उस जमाने के जमाने में हम पढ़ते थे उस जमाने के चैलेंजेस में फर्क है, बहुत बड़ा फर्क है। इन चीज़ों को सीखें, यानी पेरेंटल काउंसलिंग सेशंस अटेंड करें, जाएं उन एक्सपर्ट्स के पास, उन साइकोथेरेपिस्ट के पास, साइकोलॉजिस्ट के पास, साइकेट्रिस्ट के पास, उन ट्रेनर्स के पास जाएं, उनके पास जाएं, जाके उनसे सीखें कि पेरेंटिंग कैसे होती है, सही, बच्चे की साइकोलॉजी क्या है, किस तरह से उसको। एक बड़े मशहूर बुजुर्ग गुजरे, उनके बारे में कहा जाता है कि जब वो पैदा हुए तो आधा कुरान उन्हें पैदा होते ही याद था, क्योंकि
आज की साइंस इस बात को प्रूव करती है कि माँ जो करती है उसका असर उसके पैदा होने वाले बच्चे पे पड़ता है। और उन हजरत की जो वालदा थी वो कुरान पढ़ती थी जब वो अभी पैदा नहीं हुए थे, यानी माँ के पेट में थे और माँ कुरान पढ़ती थी। बच्चा सुनता है, सेंसेस है उसकी सारी डेवलप हो चुकी है, वो सुन रहा है अंदर, उसका आवाज आ रही है, उसको सब समझ में आ रहा है उसकी माँ क्या कर रही है। तो जब ये बात वहां से स्टार्ट होती है, मैंने आपको अल्लामा इकबाल की एग्जाम्पल दी, तो देखिए कुर्बानी देनी पड़ती है। आज मैं अगर अपनी मिसाल लूँ तो मैं अपने बच्चों की एटीएम मशीन हूँ कि अब्बा हैं, सुबह दोपहर शाम कमाएंगे, पैसे ला के देंगे। और हमने शायद इस चीज़ को अपना बना लिया नज़्म उलैन के जनाब के, बस शायद औलाद के लिए पैसे ही कमाना सब कुछ रह गया। सुबह निकलते हैं और रात को घर घुसते हैं। बहुत सारे लोग तो अपने बच्चों को जो है वो इस तरह बड़े होते हुए नहीं देखते, यानी यूँ नीचे इतना बड़ा है, मेरा इतना बड़ा, मैं इतना बड़ा, वो इस तरह बड़े होते देखते हैं, कितना है, कितना है, कितना है और इतना है। कि सुबह जब जाते हैं बच्चा सो रहा होता है और रात को जब आते हैं तब भी बच्चा सो रहा होता है, तो आप उसको खड़े में तो देखा ही नहीं आपने उसको। माँ बाप को कई कई दिन हो जाते हैं अपने बच्चों से मिले हुए, तो ये कैसे पॉसिबल है कि माँ बाप फिर ये समझे कि उनका बच्चा बिगड़ेगा नहीं, गलत हाथों में नहीं जाएगा। बच्चा फुल ऑफ एनर्जी है, उसने ये एनर्जी कहीं ना कहीं पास ऑन करनी है, समझ में बात, कहीं ना कहीं पास ऑन करनी है। अब उसके दो रास्ते हैं, या तो वो सही रास्ते पे पास करे या वो गलत रास्ते पे पास करे। अब कौन करवाएगा, ये मेरा रोल है एज अ उस्ताद, एज अ टीचर, एज अ पेरेंट, ठीक है। सबसे पहले घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इल्म अदब से आता है, इल्म अदब से आता है, बेअदब बेनसीब, बाअदब बानसीब, बचपन से सुनते आ रहे हैं कि जब तक अदब नहीं होगा तो इल्म नहीं आएगा। तो हमें घर में बच्चों को अदब सिखाना है कि अदब किस तरह से करना है, और उसका स्टार्ट कहाँ से होता है, जब बच्चा पैदा होता है, ठीक है जनाब। जहाँ अब कुछ एजेस हैं आपकी, उसको जरा ख्याल रखें। दो फेजेस हैं बच्चे की लाइफ में, एक है उसकी तकरीबन समझ लें 18 साल तक की उम्र, 18 से 24 साल की एक उम्र है। 18 से 24 साल की उम्र में बच्चा बनेगा भी बिगड़ेगा, यानी 18 से 24 साल की उम्र में अगर बच्चे ने हार्डवर्क कर लिया, 18 से 24 साल में अगर उसने हार्डवर्क कर लिया, तो 24 साल के बाद वो टांग पे टांग रख के बैठेगा, आराम से कमाएगा, खाएगा, सब कुछ करेगा, कोई मसला नहीं है उसको। लेकिन इस टाइम में अगर वो खराब हो गया, बिगड़ गया, तो समझिए जिंदगी भर एक लाइबिलिटी पैदा कर ली आपने। और अगर ये साल आपने बचा लिए बच्चे के, तो इसका मतलब आपने एक एसेट डेवलप कर लिया। अब ये 18 साल से आगे जिंदगी को सही करने के लिए उससे पहले की जिंदगी के ऊपर बहुत सारा काम करना पड़ता है। अनफॉर्चुनेटली हमारी माओ ने ये समझ लिया है कि किचन सबसे इंपॉर्टेंट है, वो सुबह किचन में घुसती है, रात में निकलती है। खाने पकाना क्या माँ का काम, माँ की प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? जब ऊपर जाएंगे तो माँ से क्या पूछा जाएगा, ये मेरा माओ से सवाल है कि जब आप ऊपर जाएंगे तो आपसे किस बात का सवाल होगा। बच्चे को खाने खिलाने का, उसको पिज्जे खिलाने का, खानदान की दावतें करने का, हस्बैंड को अब तरह तरह के खाने खिलाने का, किस चीज़ का सवाल होगा? सवाल पहला माँ से होगा, उसकी माँ बच्चे की तरबियत का। इन चीज़ों के सवाल नहीं होंगे आपसे, या मैंने स्कॉलर से सुना है ये बात, तो मुझे वाला मैं इतना दीनी आलिम नहीं हो गई, लेकिन बहरहाल स्कॉलर से हमने बात सुनी है कि जो जो जिम्मेदारी है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसके बारे में सवाल होगा आखिरत में, वो है बच्चे, वो है आपने तरबियत कैसी की, आपने उनको पैसे कितने कमा के दिए। शायद इसका सवाल नहीं होना पैसे कितने कमा के दिए, इसका सवाल ज़रूर होगा कि बच्चे ने नमाज नहीं पढ़ी, उसका सवाल होगा आपसे। बच्चे ने कुरान नहीं पढ़ा, उसका सवाल आपसे होगा। बच्चे को सच बोलना नहीं सिखाया, इसका सवाल आपसे होगा। बच्चे गलत काम से नहीं रोका आपने, इसका सवाल आपसे होगा। तो इस बात को समझें, किचन इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इतना भी इम्पॉर्टेंट नहीं है कि आप बच्चे की तबीयत भूल जाएं। खानदान की दावतें इम्पॉर्टेंट है, इतनी भी इम्पॉर्टेंट नहीं है कि आप बच्चे की तबीयत भूल जाएं। आपके कपड़े, आपका मेकअप, आपके पॉलर इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन इतने इम्पॉर्टेंट नहीं है कि आप उसके लिए बच्चे की तबीयत भूल जाएं। बाप के लिए घर बनाना ज़रूरी है, लेकिन इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है कि आप बच्चे की तबीयत भूल जाएं। बाप के लिए गाड़ी खरीदना इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है कि आप बच्चे की तबीयत भूल जाएं। तो बच्चे की तरबियत इज योर प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी, सबसे ऊपर आप इसको रखें। अल्लाह पाक ने रिस्क का वादा किया है, वो देगा आपको, तो आप इसकी परवाह नहीं करें। आप इस बात की परवाह करें जिसका सवाल का जवाब आपने देना है, उन सवालों के जवाब की तैयारी करें यहाँ पर, क्योंकि ये दुनिया फानी है, ये टेम्परेरी है। यहाँ पर आप आए, यहाँ पर कल को चले जाएंगे, ऊपर जाके सवाल क्या होंगे उनके लिए तैयारियाँ करें। तो पहली चीज़ तो ये कि माँ बाप को इस बात को समझना चाहिए कि बहुत सारी चीज़ें उनको नहीं पता, और उसके लिए कहाँ जाना है, उसके राइट फोरम्स हैं बहुत सारी दुनिया में। अब तो खैर इंटरनेट के दुनिया में तो हर चीज़ आपको फ्री अवेलेबल है, बहुत कम चार्जेस में भी अवेलेबल है। आप बहुत सी जगह पे जाए, आपको फ्री इंटरनेट पे आपको
आपको यूट्यूब पे पेरेंटल काउंसलिंग सेशंस मिल जाएंगे, आप वहाँ पे वो सेशंस अटेंड करें। बहुत सारे साइकेट्रिस्ट हैं, साइकोथेरेपिस्ट हैं, पाकिस्तान में भरे पड़े हैं बेचारे, कहते हैं कि इनको जॉब नहीं मिलती, इसलिए नहीं मिलती कि माँ बाप को ये बात समझ में नहीं आ रही कि भाई हमें इनके पास जाना है, सर में दर्द हो रहा है डॉक्टर के पास चले गए, तो हो सकता है भाई सर में दर्द आपके इसलिए हो रहा हो कि आपको साइकोलॉजिकल इशू हो कोई, क्या पागल होने के बाद ही साइकेट्रिस्ट के पास जाना है या पागल होने से मैं नहीं जाना? साइकेट्रिस्ट के पास जाने का मतलब ये नहीं है पागल हो गए, यहाँ तो एक अजीब कॉन्सेप्ट बना हुआ है ना कि साइकेट्रिस्ट के पास ले गए ओ पागल हो गया क्या, कोई साया आया इसके ऊपर, कोई दिमागी प्रॉब्लम है इसको क्या? भाई हर शख्स के साथ दिमागी प्रॉब्लम है, हर शख्स के साथ एक साइकोलॉजिकल इशू है। आज की दुनिया में आप क्या समझते हैं जितनी टेंशन यहाँ पर है, सुबह गए जॉब है या नहीं है किसको क्या पता, शाम को घर वापस आते हैं तो क्या होता है हमें नहीं पता, ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्या है, फाइनेंशियल सिचुएशन क्या है, पानी बिजली गैस के इश्यूज क्या है, ये हमें नहीं पता, इतनी टेंशन लेके हम पूरी दुनिया पूरा दिन गुजारते हैं, तो उसके लिए जरूरी बात है कि आप जाए किसी साइकेट्रिस्ट के पास। ये जो ट्रेनिंग सेशन है इनको अटेंड करना बहुत जरूरी है माँ बाप के लिए, बड़ी ये मेरी एडवाइस है कि माँ बाप जो है ना ट्रेनिंग सेशन अटेंड करें और इस बात को सीखें कि तरबियत की कैसे जाती है, क्योंकि आपके माँ बाप ने जो आपकी तरबियत की थी वो वक्त अलग था, जरा समझें इस बात को, वो अलग वक्त था, उस वक्त की चीज़ें अलग थी। मैं आपको मिसाल दे चुका हूँ, देखिए उस वक्त इंटरनेट नहीं था, केबल टीवी नहीं था, मैं जब छोटा था हमारे जमाने में वो एक टीवी चैनल आता था जहाँ उसमें यसीन कुरान से स्टार्ट होता था, वो नूरानी कायदा पढ़ाया जाता था, उसके बाद वो कार्टून चैनल आता था आधे घंटे का, उसके बाद वो ड्रामा आता था फरमान इलाही आया ख़त्म, 4 बजे मेरे ख्याल में 4 या 5 बजे टीवी स्टार्ट होता था और 8-10 बजे टीवी बंद हो जाता था, उसके अलावा कुछ आता ही नहीं था टीवी के ऊपर। अब तो 24 घंटे टीवी है, नेटफ्लिक्स आपके पास है, इंटरनेट आपके पास है, मोबाइल हर बच्चे के पास है, हर घर के कमरे में एलईडी लगी हुई है, केबल चैनल लगे हुए हैं, इन चीज़ों को कंट्रोल कैसे करना है ये एक आम आदमी के बस की बात नहीं है, इसके लिए आपको सेशंस लें और जाए जाके इसको सीखें कि किस तरह से चीज़ों को कंट्रोल करना है। तो ये मेरी माँ बाप को एडवाइस है कि वो ये काम करें। दूसरी बात माओ से और बाप से दोनों से कि आप खाना बनाने की मशीन नहीं है, पैसे कमाने की मशीन नहीं है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चे की तरबियत है, उस पर सबसे ज़्यादा वक्त सर्व करें ताकि वो सही जवाब दे सके। मैं आपकी बात को सर सेकंड करूँगा, असल में हुआ ये था कि मेरा बेटा तो अभी 4 साल का, तो मैंने पहले 6 महीने का एक पहले तो कुछ वर्कशॉप अटेंड की थी पेरेंटिंग पे, फिर एक 6 महीने का पूरा कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स किया। अच्छा, जब वो कोर्स मैंने किया पेरेंटिंग पे तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये सिर्फ मेरे सीखने से मामला हल नहीं होगा। देन फिर अगले बैच में 6 महीने का कोर्स मेरी वाइफ ने किया, तो हम दोनों ने वो 6 महीने का जब कोर्स किया तो हमें ऐसी ऐसी बातें पता चली। उन्होंने हमें एक बात सिखाई कि भाई अगर आपके सामने एक बंदा आया और उसके माथे पे लिखा हुआ कि ये जन्नती है तो आप उसकी केयर करेंगे? हमने बोला बहुत करेंगे। तो उन्होंने कहा अगर आपका बच्चा बालिग होने से पहले मर जाए ना तो वो जन्नत, तो यू हैव टू थिंक। और फिर उन्होंने कहा आप अपने बेटे को जितना बड़ा आदमी बनाना चाहते हैं उतने बड़े आदमी की आप जैसी इज्जत करते हैं ना बच्चे की, अभी से वैसी इज्जत करना शुरू कर दें। हम बच्चे की इज्जत ही नहीं करते, हम उसको दूसरी साइड पे ले जाते हैं। अच्छा, तो मैं आपसे जो मैं चाहूँगा कि हम चूंकि बहुत ओपन फोरम पे बात कर रहे हैं तो मैं चाहूँगा कि जो एग्जैक्ट इश्यूज हैं, यानी क्योंकि हो सकता है पेरेंट चूंकि वालिद साहब सुबह गए और रात को आए पैसे कमाने में लगे हुए, माँ घर पर है, बच्चे की जो आउटडोर एक्टिविटीज़ हैं, अच्छा बहुत से पेरेंट्स को उसके उसके हवाले से पता भी नहीं है, तो यानी और आपके पास चूंकि बहुत इलीट मैं कहूँगा कि वो यंगस्टर्स आ रहे होते हैं जो फाइनेंशियली भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं और पढ़ाई में भी काफ़ी, तो ये यूथ को आप किस यानी क्या प्रॉब्लम्स हैं जो हो सकता है कि पेरेंट्स को अंदाज़ा ही ना हो कि किस तरफ जो है ना वो बच्चे जा रहे हैं, और फिर उसमें कैसे पेरेंट अपना रोल प्ले कर सकते हैं उसको केटर करने में, या जो टीचर्स हैं, क्योंकि बहुत माजरत के साथ हम लोग एक इसी इंडस्ट्री से, लेकिन आपने भी बहुत से टीचर्स देखे होंगे, हमने भी देखे कि वो या तो सब्जेक्ट कॉम्पिटेंस की तरफ है या टीचर खुद एक रॉक स्टार है और टीचर की अपनी पर्सनल लाइफ इज नॉट समथिंग दैट यानी यू नो द कॉन्सेप्ट ऑफ एंटरटेनमेंट एंड दिस काइंड ऑफ, तो मैं मतलब वो उनका अपना स्टाइल होगा, लेकिन हम तो यहाँ बात तरबियत की कर रहे हैं ना, तो ऐसा ना हो कि वो कोई एक सब्जेक्ट में तो बच्चा बड़ा अच्छा आगे बढ़ जाए देन उसके बाद बच्चा जो है ना वो उस टीचर की यानी इन शॉर्ट दूसरी तरफ ना निकल जाए। तो मैं चाहूँगा इस पहले इश्यूज को आइडेंटिफाई कर लें और फिर उसमें पेरेंट और वो टीचर्स जो कि वाकई में तरबियत को लेकर टीचिंग कर रहे हैं वो इसमें कैसे अपना रोल प्ले कर सकते हैं। देखिए जो इश्यूज हैं इस वक्त सबसे बड़ा जो इशू बच्चों के साथ है कि बच्चों को बात करने के लिए कोई अवेलेबल नहीं है। बच्चा हर उस शख्स को अपना हमदर्द समझ लेता है जो उसे थोड़ी सी जरा प्यार मोहब्बत से बात कर लेता है। घर जाता है तो उसको ज्यादातर डांट ही सुननी पड़ती है,
क्योंकि बाप पूरे दिन का थका हुआ जब वो घर पहुंचता है तो वो नहीं उस वक्त उसका दिमाग नहीं होता कि वो बच्चों की कोई चिक-चिक सुन सके। और जैसे ही बाप घर पहुंचे तो अम्मा जो है वो रिजल्ट कार्ड लेके खड़ी होती है कि देखिए जी आपके बच्चे का ये ग्रेड आया, चलो भाई शुरू हो गया अब्बा उसके ऊपर। ऑफिस का सारा गुस्सा उन्होंने बच्चे पे उतार दिया। इसी की से माँ की कुछ परेशानियाँ हैं अपने ससुराल की तरफ से, अपने महके की तरफ से, वो भी सारी परेशानियाँ उठा के अपने बच्चे के ऊपर उतार देती है। पहली बात आपकी बिल्कुल सही बात आपसे सेकंड करूंगा मैं, जो आपने कहा कि बच्चे की इज्जत करना सीखे, उसकी भी इज्जत है भाई। एक छोटा सा बच्चा है, मैं अजीब हैरान होता हूँ कि लोग बच्चों को टॉन्ट करते हैं, उसके ऊपर जुमले कसते हैं, छोटे से बच्चे पे, दो साल के बच्चे, बड़ा बदतमीज बच्चा ही है, दो साल का बच्चा बदतमीज है, यानी अजीब सी बात है। दो साल का, तीन साल का बच्चा बड़े बदतमीज है इसके बच्चे, या दो या तीन साल, चार साल, पाँच साल का बच्चा बदतमीज कहाँ से हो गया, समझ से बाहर वाली ये बात है। तो आप इस तरह के जुमले ना कसें भाई, ना किसी को कसने दें और ना खुद कसें कि ये बच्चा ना फरमान है मेरा। इतनी बड़ी बात ना फरमान आपने उसको कह दिया, जरा सी बात के ऊपर कि उस वो अच्छा ग्रेड नहीं लेके आ सका, आपने उसको ना फरमान कह दिया। यार उस बच्चे की तरह सोचे उसके दिल पे क्या गुजरेगी, वो बच्चा अगर आपको बोल दे पलट के असल रोड, अगर आप सिर्फ ये सोचे कि वो आपको बोल दे कि अब्बा आप ना फरमान, आप जरा सोचे इस बात, सिर्फ इतनी सी बात सोचे कि अब्बा आपने क्या किया मेरे लिए बताएं आप मुझे, कल को खड़ा होकर सवाल कर दिया ना उसने आपसे तो आपका जवाब नहीं होगा इसका। तो पहली बात तो कि इज्जत करना सीखे, हर एक की इज्जत होती है, बच्चे की भी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। आप उसको डांटे लेकिन याद रखें उसको डांटना है कमरा बंद करके, बंद करें ठीक है, छोटे भाई के सामने, छोटी बहन के सामने, बड़े भाई के सामने, मामू के सामने, चाचा के सामने, ताया के सामने, दादा के सामने ये हरकत नहीं करनी है। आप उस बच्चे को ले उसको ठीक ठाक झाड़ पिलाएं, उसकी कस दे उसको ऐसी तैसी कर दे उसकी कि तुमने ये बदतमीजी की कैसे, ठीक है वो सब बात, लेकिन बच्चे की सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, सबसे पहले उसको डैमेज ना करेगा, क्योंकि बच्चा सेल्फ रिस्पेक्ट एकदम डैमेज, वो आपसे बात ही नहीं करेगा नेक्स्ट टाइम। बच्चे गलती करते हैं, हमने भी की यार, हम कोई गलती से कोई बोल रहा है कि हम क्या फरिश्ते हैं क्या, कि हमने जिंदगी में गलतियाँ नहीं की, हमने जवानी नहीं गुजारी, क्या हरकतें हमने नहीं की, सब की हैं भाई, सब ने की हैं। कोई जो बोलता है नहीं की उसने शायद पता नहीं फरिश्ता होगा वो, लेकिन मैं तो नहीं समझता भाई। हमारे जितने दोस्त हैं, जितने लोग हैं हमारे, इतनी बड़ी गैदरिंग थी हमारी, जो जवानी में बचपन में जो हरकतें होती हैं हमने की हैं भाई, और हमें पता है कि हमारे बच्चे भी करेंगे क्योंकि वो बाहर निकलते हैं। आप कब तक एक मुर्गी की तरह उसे परों में रख के बैठेंगे, जब तक जब वो परों से बाहर निकलेगा तो वो दुनिया के सामने आएगा, दुनिया में अच्छे लोग भी बुरे लोग भी हैं। तो पहली बात तो ये कि आप उसको ऑब्जर्व करें, बच्चे के अंदर कोई चेंज आ रहा है, देखिए आप उसका कि उसका अगर वो फौरन सब मतलब बच्चों को मैं बताऊँ कि इशू क्या है सबसे बड़ा कि बच्चे के पास बात करने को कोई नहीं है, वो गलत जगह पे बात करता है। एक पड़ोसी मिलेगा उसको बोलेगा हाँ हाँ मेरा बच्चा क्या अब्बा ने डांटा यार, हमारे अब्बा तो बहुत डांटते रहते हैं तुम्हें, ठीक है ना तुम मेरे पास आओ, उसको बिठाएगा, वो उसके अपने मकसद के लिए उसे इस्तेमाल करेगा। मस्जिद जाएगा मौलवी साहब बोलेंगे ओ तुम्हारे माँ बाप बड़े जालिम है यार, ये तो मतलब इनका तो इन पर तो दो जख्म ना वाजिब हो गई है, जन्नत ही है नहीं ये लोग, और तुम जो हो ना बस आओ इधर जहाद करते हैं। अब बच्चा कहेगा हाँ यार ये बड़ा अच्छा काम है, एनर्जी फुल ऑफ एनर्जी है बच्चा, और उस एनर्जी का इस्तेमाल उसको सुसाइड बॉम्बर बना देंगे, और बाद में बोलेंगे जी बच्चा बिगड़ गया। तो किसकी वजह से बिगड़ा? आपकी वजह से बिगड़ा, क्योंकि आप उसकी बात सुन ही रहे, आप उसके मसले सुने तो सही ना यार, आप उसकी बात को समझने की कोशिश तो करें। ठीक है बच्चे गलत होते हैं, बहुत सी दफा गलत होते हैं बच्चे, लेकिन बात है कि हर दफा गलत नहीं होते भाई। अगर मैं कहूँ कि 10 दफा बच्चा बात करता तो 1 दफा वो सही भी होता है, जब वो सही होता है तो बैठ के सोचे कि वो क्या कह रहा है और फिर उस पे उसके साथ बैठ के बात करें, बात करें। ये फतवे लगा देना ना कल से काम नहीं होगा, फोन दोबारा ले लूंगा भाई, आप उसका फोन ले लेंगे आप क्या समझते हैं कि फोन इस्तेमाल नहीं करेगा? वो करेगा। आप उसका टीवी बंद कर देंगे आप क्या आप समझते हैं टीवी नहीं देखेगा? वो देखेगा जाके टीवी कहीं और, लेकिन उस वक्त वो वहां पर जाके टीवी देखेगा जहां पर आप नहीं है, आप मॉनिटर नहीं कर रहे, साथ बैठे बैठ के देखें। आप बेटा बैठते हैं दोनों बैठ के मूवी देखते हैं, दिखाएं उसको बैठे साथ उसके, और फिर उस मूवी उसको बताएं बेटा देखो ये गलत चीज़ है, ये अच्छी चीज़ है, ये हमारे दीन ने बताया है इस तरह से नहीं होना चाहिए, ये इस तरह से होना चाहिए। बच्चा समझेगा, वो बैठेगा आपके साथ बैठ के मूवी देखेगा, मूवी देखना आराम है, नहीं देखनी मूवी तुमने, अब ये फतवा लगा दिया आपने, आप क्या समझते हैं? बच्चा घर से बाहर निकलेगा आप बिल बोर्ड देखें, अल्लाह माफ़ करे इस तरह फिरुल्ला बच्चों के सामने नजरें झुक जाती है हमारी, वो बिल बोर्ड देखें, आप कभी सिनेमा चले जाए वहाँ पर जो तस्वीरें लगी हुई होती हैं वो देख के हमारी मतलब शर्म से नजरें झुक जाती हैं। क्या बच्चा अकेले में वहाँ नहीं जाएगा, अपने दोस्तों के साथ जाएगा, दोस्त को बताएगा वो जी मैं दिखाता हूँ ये चीज़ ऐसी है। मैं छोटी सी मिसाल आपको और दूँ, हम लोग दुबई गए वहाँ पर
डेजर्ट सफारी और उसके बाद एक प्रोग्राम होता है वहाँ पे, डांस पार्टी होती है। तो जब जनाब जब वो खाना वाना ख़त्म हुआ, सफारी ख़त्म हुई, माई डांस पार्टी का टाइम आया, तो हमारी वाइफ होता है उन्होंने बोला कि तो तमीज़ काम होता है यहाँ पे, बच्चों के साथ बैठ के देखेंगे आप, क्या शर्म नहीं आएगी आपको क्या? तो मैंने कहा मैं देखूंगा बैठ के साथ, ताकि मेरे बच्चे को पता लगे व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। कल को वो जब अपने स्कूल जाएगा, उसका दोस्त पूछेगा हाँ भी छुट्टियाँ कहाँ गया था? दुबई गया था। अब दुबई गया था, अच्छा वहाँ तूने डेजर्ट सफारी की? हाँ की। अब डांस देखा उसके बाद? बच्चा बोलेगा हाँ यार तमीज सी थी, खराब थी, वो मैंने देखा था अब्बा के साथ बैठ के देखा था। और अगर आपने नहीं देखा ना, नहीं दिखाया उसको, तो उसके दोस्त ने उसको कहना है कभी तूने वो नहीं देखा यार, बस तूने तो भाई कुछ किया ही नहीं वहाँ पे जाके, अब जना बस तू तो बस मारेगा जिंदगी में, तूने कुछ किया ही नहीं काम, दुबई गया डेजर्ट सफारी की, डांस नहीं देखा तूने, इतना बड़ा काम करके आ गया, बेवकूफ आदमी तू। लेकिन जब वो बताएगा ना बच्चा कि नहीं अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है क्या होता है, मैंने अब्बा के साथ बैठ के देखा था, दूसरा वाला खामोश हो जाएगा, उसको मिसलीड नहीं कर सकेगा, क्योंकि ये चीजें दुनिया में है, बच्चे ने इससे एक्सपोज होना है, आज नहीं तो कल नहीं तो परसों होना है। इट इज बेटर कि आप साथ बैठ के उसको बताएं कि बेटा दिस इज राइट एंड दिस इज रॉन्ग। बच्चा आपका एडल्ट हो गया, 15 साल का 16 साल का हो चुका है, बैठे एंड यू नीड टू हैव एन ओपन डिस्कशन विद योर चाइल्ड, एन ओपन डिस्कशन कि क्या चीज होती है। ठीक है, देखिए अल्लाह पाक ने दो सेक्स बनाई है अलग अलग, मर्द और औरत को, तो ये दोनों कहीं ना कहीं तो मिलेंगे ना। आज के दौर में आप कहें जी आपका बच्चा बाहर निकलेगा और किसी लड़की से नहीं मिलेगा, मिलेगा यार मिलेगा, लेकिन अगर वो घर आके आपसे छुपाए कि मैं आज तुम्हारा लड़की से मिल के आया हूँ, तो इसका मतलब ये कि वो कुछ गलत काम करेगा। सही। लेकिन अगर आप उसको ओपनली अलाउ करते हैं, बेटा देखो हमारे दोस्त हमारे घर में लेके आए, अपने घर ड्राइंग रूम में बैठाओ, उसे इज्जत दो, उसे खाना खिलाओ, उसे हम भी बैठेंगे, हम भी तुम्हारे साथ बैठ रहे हैं, कहाँ जा रहे हो, छोड़ने जा रहे हो, मैं चलता हूँ साथ तुम्हारे, चलो गाड़ी के साथ लेकर चलते हैं। आप उसको इतना फैसिलिटेट करें बच्चे को। दूसरी बात ये, बच्चे पे झूठ का बहतान ना बांधें। सही। उसकी बात पे ट्रस्ट करें, उसकी बात पर ट्रस्ट करें। अब जब आप ये होता ना कि नमाज पढ़ी तुमने, मतलब जी पढ़ ली, कब पढ़ी, मैंने तो नहीं देखा, अब यहाँ होगी गड़बड़। अब ये आप रास्ते बता रहे हैं बच्चे को खुद कि देखो ये भी हो सकता है। मैं आपको ऑनेस्टली बता दूं, अपनी बात बता दूं कि मैंने बहुत सारी चीजें, गलत चीजें मैंने नौजुबिल अपने माँ बाप से सीखी कि मुझे बताते थे कि तुम कहाँ गए थे, दूसरे बार गया था, वहां तो नहीं थे तुम, कहीं और गए थे। मैं सोच में आया कि अच्छा कहीं और भी जाया जा सकता है, मुझे पता ही नहीं था ये तो कहीं और भी जाया जा, अच्छा 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 नेक्स्ट टाइम ये कर सकता हूँ मैं, ये एक और तरीका आ गया। और दूसरी बात है कि मैंने कहा अब मैंने तो बात यही करनी है कि तुम उन्होंने कौन सी मेरी बात माननी है, मैं झूठ गढ़ दूंगा उनके सामने। कोई बच्चा अगर कहता है जनाब कि रात के 2 बजे आ रहा है, कहाँ से आ रहे हो, मैं दोस्त के घर से आ रहा हूँ, क्या करते वहाँ पे, बस वो बाहर बैठे हुए थे, उसको पता है अगर आप उससे बता दीजिए आपको अब्बा मैं सिगरेट पी रहा था, तो अब्बा ने जूता उठाना और डंडे मारना शुरू कर देना। सही। आप बच्चे को इतना कॉन्फिडेंस दें, बच्चा सिगरेट पी गया, बच्चा आपको बोले कि अब्बा मैं सिगरेट पी रहा। सही। और अगर आपको पता लगे सिगरेट पिए उसके साथ बैठे बजाय सिगरेट डंडे मारने के, तो उसके साथ बैठे, उसको बैठे बराबर बैठे उसके, उसको बताएं कि बेटा सिगरेट ठीक है, आप चलते हैं कौन सा ब्रांड पीते हो, मैं तो बता दूं ये वाला ब्रांड सही है, वाला ब्रांड खराब है, इतनी पीनी चाहिए इतनी नहीं पीनी चाहिए। आप उसको इस तरह से निकल चलेंगे, बच्चा आपसे झूठ नहीं बोलेगा, वो आप पे ट्रस्ट करेगा। फिर बाप ने अगर ट्रस्ट करता है तो बाप की जिम्मेदारी है कि माँ के कान में जाके नाम डाले। अगर माँ के ऊपर ट्रस्ट करता है तो माँ की जिम्मेदारी है बाप के कान में जाके नाम डाले इस बात को, क्या बच्चा ये करता रहता है, भाई माँ पे ट्रस्ट करके उसने आपको बताया। और अगर माँ ने बाप को बता भी दिया तो जिम्मेदारी यह बात की कि बाप ये पता ना चलने दे कि बच्चे को पता लग गया है। बच्चे को कथारसिस चाहिए, बच्चे को हमदर्दी चाहिए, बच्चे को प्यार चाहिए। सबसे ज्यादा प्यार उसके माँ और बाप कर सकते हैं बेलॉस, बाकी सबका मतलब है। बच्चा मेरे पास कोचिंग में आता है, मेरे पास कॉलेज में आता है, मैं पैसे लेता हूँ, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, लेकिन बहरहाल क्या करें भाई, यही दुनिया है, ठीक है, हम पैसे लेते हैं, तो मैं उसको अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकता हूँ कि भाई तुम इस कॉलेज में ना जाओ, तुम इस कॉलेज में एडमिशन लो, क्योंकि मेरा फायदा है वहाँ पे। सही। मैं तो उसको अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकता हूँ, कोई भी कर सकता है। माँ और बाप ये दो ऐसी बेलॉस मोहब्बत करने वाली शख्सियात हैं जो कि सही मशवरा देगी। तो माँ और बाप से बच्चे को ओपनली डिस्कशन करें, बच्चे को अपने साथ ओपन करें, उसके ऊपर ट्रस्ट करें, उसको लोगों के सामने डिस्ट्रस्ट ना करें उसके साथ, उसकी बातों पे यकीन करें और उसको ह्यूमिलेट ना करें लोगों के सामने। और अगर बच्चे का डी एस ई या ई ग्रेड आ जाता है
तो आप उसके साथ देखें उसको डांटना ना शुरू कर दें। हर बच्चे का, हर बच्चा ए स्टार नहीं हो सकता, ठीक है? तो समझने की कोशिश करें कि आपके बच्चे के अंदर क्या चीज पोटेंशियल है। मैं एक चीज और गाइड करना चाहूंगा पेरेंट्स को, यहाँ पे यंग जो टीनेजर्स हैं इनके अंदर एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। बहुत सारे बच्चे एनर्जी को इस तरह जाया करते हैं कि पूरे दिन टीवी के सामने बैठे रहते हैं, पूरे दिन मोबाइल के सामने बैठे रहते हैं। जरूरी है इनको घर से बाहर निकालें, इनको किसी फुटबॉल क्लब में, इनको किसी बास्केटबॉल क्लब में, इनको किसी जिमनेजियम में, किसी मतलब कीप देम बिजी इन सम स्पोर्ट्स एक्टिविटी, फिजिकल स्पोर्ट्स एक्टिविटी। मोबाइल में बैठे गेम ना खेलते रहिए, वो वाला गेम नहीं। एक घर में आप है ना, एक वो होता है क्या नाम है, सैंड बैग होता है, सैंड बैग जो बॉक्सिंग वाला ना बॉक्सर्स पे करते हैं, घर में लाके वो लटका दें और बच्चे को बोले दिन में आधा घंटा इस पे प्रैक्टिस करो। बच्चा अपना सारा गुस्सा, अपनी सारी एनर्जी जो है ना वो सैंड बॉक्स में निकालेगा। आप देखिए बच्चे के अंदर बड़ा ठहराव आ जाएगा, बच्चे के अंदर बड़ा, बच्चा बड़ा काम हो जाएगा। अब उसकी एनर्जी वो यूज नहीं हो रही होती तो वो गुस्से की फॉर्म में निकलती है, वो फ्रस्ट्रेशन की फॉर्म में निकलती है। आलू की पका ली आज, टिंडे क्यों पका लिया आपने आज, गोश्त नहीं खाता, टमाटर नहीं खाता इसके अंदर, ये क्या चीज में डाल दी, इसमें नमक ज्यादा हो गया। ये बच्चे का गुस्सा, ये बच्चे की एनर्जी जो वो निकाल नहीं पा रहा कहीं पर, प्ले ग्राउंड के नाम पे छत में जो है ना वो फुटसल बनाया हुआ उन्होंने, कच्ची प्ले ग्राउंड है हमारा। आप देखिए जितने गवर्नमेंट स्कूल में प्रॉपर पर्पस बिल्ड बिल्डिंग होती है उनका अपना प्ले ग्राउंड होता है, बच्चा वहां जाके खेलता है, वो सारी एनर्जी एग्जॉस्ट होता है और फिर वो क्लास में बैठते हैं उसको समझ में आता है। उससे मुझे एक वाक्य याद आया। नाउ आई एम 30, लेकिन मुझे याद है जब मैं 8 साल का था तो अम्मी कोई सौदा वौदा लेने अम्मी भेज देती थी, तो अम्मी से ये होता था कि उस वक्त ना 5 का नोट होता था, तो सिक्के मेरे होते थे और 5 का नोट हो गया तो वो फिर अम्मी को रिटर्न कर ले। तो एक दिन ना मुझे कोक पीने का दिल चाह रहा था, कोक 8 रुपए की थी उस वक्त। अब मैंने क्या किया, 8 रुपए की कोक पी ली, हालांकि वो रूल मैंने तोड़ दिया क्योंकि 5 रुपए का तो नोट था, वो मुझे अम्मी को रिटर्न करना था, 3 रुपए मुझे रखने थे। अच्छा, मैंने कोक पी ली, उसके बाद क्या हुआ, ये जो है ना वो अम्मी ने इत्तेफाक से उस दिन पूछ लिया, वरना अम्मी कभी पैसों का हिसाब नहीं करती, और पूछ लिया तो मैं पकड़ा गया। अब कोई और माँ होती तो क्लास हो जाती कि भाई मैं तो हिसाब ही नहीं लेती, तुम पता नहीं क्या क्या कर रहे हो। तो हमारी वालदा मरहूमा ने मुझे बिठा के कहा कि देखो तुम्हें पीनी थी ना तो तुम मुझसे बोल देते, मैं तुम्हें जो है ना वो तुम मुझसे बोल के ले लेते, आइंदा कभी ऐसे नहीं करना, और तुम्हारा दिल चाह रहा था तुम मुझसे बोल के कर देते। लेकिन सर मैं आपको बताऊँ, वो 98 की बात है, आज से 22-23 साल पहले, और वो दिन है और आज का दिन है, अल्हम्दुलिल्लाह इतना दिल को, एक खास तौर पे पैसों के मामले में कि किसी की कोई चीज़ अपनी तरफ ना रह जाए, दिल में खटका बहुत आता है। लेकिन मैं ये कहता हूँ अगर वो उस वक्त मुझ पर आइडेंटिटी लगा देती कि तुम तो चोर हो और तुम्हें तो मैं हिसाब नहीं करती, अकाउंटेबल नहीं करती, तुम पीछे पता नहीं क्या क्या कर रहे हो, तो पता नहीं आज क्या होगा। ये बाकी मैं बिल्कुल, ये जो ट्रस्ट वाला फैक्टर है ना, ये बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो मैं समझता हूँ, आपने जो बात कही कि जो है ना वो पेरेंट्स को समझना चाहिए। अच्छा सर, मैं चाहूँगा आप थोड़ा सा अगर हम टीचर्स के हवाले से बात करें, ये तो पेरेंट्स के ऊपर हो गई कि एक इंसान जब टीचर बनता है, चाहे वो किसी भी लेवल के बच्चों को पढ़ा रहा हो, छोटे बच्चों को या टीनएजर्स को, या स्पेसिफिक टीनएजर्स की अगर हम बात करें, तो उसको इतनी कितनी बड़ी जिम्मेदारी है, इसका एहसास कितना होना चाहिए, देन फिर कुछ टेक्निक या टूल्स के वो किस तरीके से इन बच्चों को या टीनएजर्स को हैंडल करें। बहुत अच्छी बात आपने कही और बड़ी जरूरत है इस चीज की। फिर वही बात आ जाती है ट्रेनिंग की, कि हमारे यहाँ जो उस्ताद भी है वो अपने आप को शायद अगले कुल समझते हैं, एक टॉपिक का, एक चीज का आपको आना और उसको आगे डिलीवर करने में जमीन आसमान का फर्क है। हर अच्छा स्टूडेंट एक अच्छा टीचर नहीं हो सकता, ये बात सर समझ लें, इस बात को बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हर अच्छा स्टूडेंट एक अच्छा टीचर नहीं हो सकता, और ये जरूरी नहीं है कि एक बुरा स्टूडेंट अच्छा टीचर ना हो, ठीक है? ये एक मतलब डिलीवर करने की, जो आगे बात को ट्रांसफॉर्म करने की, इंटीग्रेट करने की स्किल, एक अलग चीज़ है, तो इसको सीखना चाहिए। तो मेरी उस्ताद, जितने भी उस्ताद-ए-किराम उनसे गुजारिश है कि सीखें, ट्रेनिंग्स लें, एक
प्रॉपर उस्ताद बने। दुनिया भर में उस्ताद का एक लाइसेंस होता है, यानी टीचर का लाइसेंस होता है, टीचर टीचिंग लाइसेंस लेना जरूरी होता है पढ़ाने के लिए। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि हमारे मुल्क में शायद इस टाइप की कोई चीज़ जब इंट्रोड्यूस ही नहीं हुई। गवर्नमेंट लेवल पर शायद हुई है, वो भी इतनी वसीदा है कि वो भी पैसे दे के यार दो नंबरी करके वो सारे टीचिंग सर्टिफिकेट बन जाते हैं। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि हम ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जब उस्ताद ही इस तरह के हैं। तो मेरी अपने तमाम उसातिज़ा से गुजारिश ये है कि पहले तो टीचिंग करने की स्किल्स सीखें कि पढ़ाते कैसे हैं। मतलब जैसे कोई मूवी में देख रहा था, उसमें बच्चे ने बड़ी अच्छी बात की, उसने बोला कि इंजीनियरिंग सर आप मुझसे ज़्यादा अच्छी पढ़ा सकते हैं, मुझे इंजीनियरिंग जो है ना मुझे नहीं आती, इंजीनियरिंग आप मुझसे अच्छी पढ़ा सकते हैं, मैं तो आपको सिर्फ ये बताता था कि पढ़ाते कैसे। एक बड़ी मशहूर इंडियन मूवी है कि उसमें डायलॉग में बड़ा समझ बात बात बड़ी अच्छी लगी उसकी, उसमें सर पढ़ाते कैसे मैं तो आपको ये बता रहा था इंजीनियरिंग आपको मुझसे अच्छी आती है। तो सब्जेक्ट कमांड तो डेफिनेटली आपके पास जो है वो आपके बच्चों से मतलब कंपेरिजन ही नहीं है उस बात का। लेकिन व्हेन इट कम्स टू के तरबियत वाला एलिमेंट कहाँ पे, व्हेन इट कम्स टू के वो डिलीवरी वाला एलिमेंट कहाँ पे, तो उसके लिए हमें चीज़ों को सीखना पड़ेगा। हर चीज को पहले रिलेट करें उस चीज से जो बच्चा समझ सकता है। यानी कि अगर मैं बच्चे को एक इंडक्शन मोटर सिखा रहा हूँ, तो इंडक्शन मोटर ही होती है ना, तो पहले तो आप उसको वो चीज़ दिखाएं कि जो बच्चे ने देखी भी हो। आप सोचें तुम्हारे घर में पानी की मोटर है, तो हाँ पानी की मोटर है, किस तरह की नजर आती है, ये वाली नजर आती है ना, बच्चा उसको रिलेट कर सकता है उसके साथ। ठीक है, अब यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, देखिए पहले बात तो उस्ताद को बात समझ जाइए कि आपकी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, सब्जेक्ट पढ़ाना या अच्छा इंसान बनाना। इस बात को जरा समझे, तालीम है या तरबियत है, या तालीम और तरबियत दोनों है, और अगर तालीम और तरबियत है तो क्या चीज़ ऊपर है और क्या चीज़ नीचे है, इसको जरा समझे, इसको प्रायोरिटाइज करें। अच्छा सर, मैं इसमें आपकी बात काटूंगा, मैं इसमें आपकी राय पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे हम लोग, मैं इंटरमीडिएट साइड को पढ़ाता हूँ ज़्यादातर, तो उमूमन ऐसा होता है कि बाज़ुकात बच्चे की प्रायोरिटी होती है कि वो उसे सब्जेक्ट पढ़ाया जाए या उसे नंबर्स चाहिए, या इदारे की प्रायोरिटी होती है कि यार आपको सब्जेक्ट के लिए रखा गया है, आप सब्जेक्ट में हमें रिजल्ट ला कर दें, एंड वी डोंट वॉन्ट कि आप ये तरबियत वाला काम करें। लेकिन एज अ मुस्लिम हमें जब वो एक चीज़ नज़र आ रही होती है तो हम तो, हमारा दिल तो दिल चाहता है कि यार ये ज्यादा बड़ा मसला है, नंबर इतने बड़े मसले नहीं है। तो मैं ये चाहूंगा कि इसमें यानी कोई यार्ड स्टिक कैसे इंसान उससे मेजर करे, या आपकी इसमें क्या राय है, ये मैं पूछना चाह रहा हूँ। देखिए मैं आपको बताता हूँ, देखिए पहली बात तो ये कि बच्चों के साथ किसी भी किस्म की इस टाइप की डिस्कशन में एंगेज नहीं होना चाहिए। इट मस्ट बी अ वन वे कम्युनिकेशन, ये टू वे नहीं होनी चाहिए, पहली बात। तो बहुत सारे टीचर्स में देखा है कि मेरे साथ भी अक्सर ऐसा होता है कि मैं एक बात करता हूँ कि करते करते बीच में मैंने एक कोई रिलीजियस आस्पेक्ट ले आया, मैं कोई सोशल आस्पेक्ट ले आया, तो बच्चा उस पर कॉमेंट करता है। तो अब यहाँ पे जब मैं ज़्यादा ट्रेन नहीं था तो फिर मैं उसको रिस्पॉन्ड करता उस कॉमेंट को, मैं उसको फुल स्टॉप नहीं लगाता था वहाँ पे। लेकिन होना ये चाहिए कि आप वन वे बात करें, अपनी बात ख़त्म कर दें, किसी बच्चे को कोई कंसर्न है हमसे बोले बेटा क्लास के बाद बात करेंगे इस पर, आप क्लास के बाद आ जाइएगा मेरे पास बैठ के इस पर डिस्कशन करने के, एक वो थॉट जो है ना वो छोड़ के चले जाए बस, खत्म। आपका काम उसके ऊपर पूरा बिल्टअप डिस्कशन नहीं है। आप फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, बायो पढ़ा रहे हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे हैं, आप सब्जेक्ट पर फोकस करें, सब्जेक्ट पढ़ाएं, लेकिन एक बीच में एक थॉट डाल दें बच्चे के अंदर, एक छोटा सा एक प्रोसेस शुरू करके चले जाए, बच्चा वापस भागता हुआ आएगा आपके पास, लेकिन सर क्लास में बात आपने कही थी मेरी समझ में नहीं, बताया मुझे क्या आई। तो वो बच्चे जो बाकी समझना चाहते हैं, वो बच्चे जो बाकी इस चीज़ को समझते हैं, जब उनकी तरबियत इस तरह की हुई भी है, वो क्लास के बाद आपके पास आ जाएगा, वो क्लास में आके आपका दिमाग खाएगा बैठ के 5-10 मिनट के साथ बताएंगे क्या होता है। अनफॉर्चुनेटली बहुत अपर टीचर्स जो हैं वो पूरा लेक्चर छोड़ के वो किसी सोशल इशू के पीछे आ जाते हैं, एक रिलीजियस इशू के पीछे स्टार्ट हो जाते हैं। तो मेरा ये मानना है कि शायद हमें ये काम नहीं करना चाहिए। यानी आपका डेफिनेटली बिल्कुल इदारे का काम है, इदारा कहता है जनाब ये ग्रेड आएंगे तो मेरे पास बच्चे आएंगे तो मैं आपको तनख्वाह दूंगा, बच्चों के ग्रेड नहीं आएंगे तो मेरे पास एडमिशन नहीं होंगे, मैं आपको तनख्वाह नहीं दे सकता, उसकी मजबूरी है इदारे की। लेकिन एज अ टीचर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं उससे पीछे हट नहीं सकता। तो मैं तो सिर्फ खाली पढ़ा के 2+2 = 4 करके नहीं जा सकता क्लास से बाहर, भाई मुझे बच्चे को ये भी बताना है कि 2+2 = 4 और सम टाइम इट इज 5 एज वेल। अब ये 5 को प्रूफ करने ना बैठ जाए क्लास के अंदर, क्योंकि अगर आपने क्लास में 2+2 = 5 प्रूफ करने बैठ गए तो इसका मतलब ये कि द होल टाइम इज गोइंग टू बी वेस्टेड, और बहुत सारे बच्चों के तो सबके ऊपर से गुजरनी है, उनको उनका इंटेलेक्ट लेवल इतना है ही नहीं कि वो इस बात तक आ सकें। तो
उनमें से कुछ दो चार आठ दस पंद्रह बीस बच्चे ऐसे होंगे जो इस बात को समझेंगे और क्लास के बाद आप पूछेंगे सर ये 2+2 = 5 कैसे होता है ये जरा समझाए। आप बोलेंगे बेटा अभी तो टाइम नहीं, दूसरी क्लास है, ये मेरा नंबर है, ये रख लो, इस टाइम में मुझे कॉल कर लेना या मैं कल क्लास से 5 मिनट पहले आ जाऊंगा और फिर बैठ के इस पर बात करेंगे 2+2 = 5 कैसे होता है, ताकि वो जो पर्टिकुलर कॉम है, वो जो लोग हैं जो बाकी इस बात को समझना चाहते हैं वो बैठ के इस बात को समझेंगे और बाकी बच्चों के दिमाग में शायद एक क्वेश्चन रह जाए, वो मे भी आपसे पूछ ना सकें लेकिन ये क्वेश्चन रह जाएगा जिंदगी में, हो सकता है कभी पॉइंट आए और वहाँ पर बस समझेंगे यार सर ने कहा था ये बात, जो याद आई भाई क्लास में तो वह कहा जरूर था सर ने कि ऐसा होता है। तो ये बिल्कुल बड़ा मुश्किल होता है क्लास के अंदर इस चीज़ को ना, इस पर लाइन एक करना कि इससे ऊपर मुझे नहीं जाना, इस लिमिट तक मुझे रहना है। या सम टाइम मैं ऐसे भी करता हूँ क्लास के अंदर, या बहुत सारे टीचर्स करते हैं इस तरह से, हमने अपने उस्तादों से सीखा इस बात को कि लेक्चर ख़त्म हुआ और लेक्चर ख़त्म उन्होंने 5 मिनट पहले कर देना है, यानी क्लास ख़त्म करने से होने से 5 मिनट पहले लेक्चर ख़त्म कर दिया और उस 5 मिनट में कोई अपनी बात, कुछ कोई इशू, कोई सोशल इशू, कोई कोई तरबियत वाला बात, कोई कोई नसीहत बच्चों को, कोई स्टोरी छोटी सी बच्चों को आपने सुना दी। स्टोरीज बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, अब बच्चों को स्टोरी सुनाया करें, 2 मिनट 3 मिनट की स्टोरीज हो, छोटी शॉर्ट स्टोरीज उन्हें सुनाएं, बड़े लोगों की स्टोरी सुनाएं, बड़े लोगों की अपनी नहीं बड़े लोगों की स्टोरी सुनाएं, बच्चों से इन्फ्लुएंस होता है, वैसा काम करने की कोशिश करता है। आपको आपने भी कभी जिंदगी में कोई बड़ा काम किया तो बिल्कुल ये बच्चों से आप शेयर करें, ये जरूरी है बच्चों से शेयर करना, आप कहाँ से आए, कैसे आप आज इस लेवल पर पहुंचे, कहाँ से आपने स्टार्ट किया था, बच्चा बड़ा इन्फ्लुएंस होता है, वो आपसे बार बार पूछेगा क्लास के बाद सर आपने किया मुझे बताइए कैसे किया आपने ये काम, आपने कैसे किया, हम तो नहीं कर पाते, तो ये बात बच्चे पूछते हैं बाहर आके। तो इसको उस्ताद को पहले बात समझनी चाहिए कि आपका काम तरबियत, आपका साथ टीचिंग के साथ, तालीम के साथ तरबियत भी है, तरबियत भी है, ठीक है, इस बात को जरा गौर करें कि बगैर तरबियत की क्लास से बाहर नहीं जाना, ये बात तो फिक्स करें। हर क्लास में एक कोई छोटी सी बात कि आप जाते से कितना बोलते हैं बच्चों सच बोलना चाहिए, सच से कभी नीचे लेना खत्म ही क्लास बाहर निकल गए, कितना नहीं लगता है इस बात को बोलने में, लेकिन करके जाए ये बात, इस बात को करके जाए। दूसरी मैं अपने तमाम सर इस वाली बात में एक दो बातें ऐड करूंगा कि ये जो आपने बात की ना कि एक दफा जो KSBL के इस वक्त डायरेक्टर हैं डॉक्टर जीशान, तो वो उनका US का भी एक्सपीरियंस है, वहां भी वो पढ़ाते रहे और तो उनसे मैंने एक दफा यही मौजू डिस्कस किया था, उन्होंने सेम मुझे यही कहा था जो आपने कहा, उन्होंने कहा देखो तुमने पढ़ाना सब्जेक्ट है, सिर्फ ऊपर हल्का सा छिड़काव करना है, तुम ये ना हो कि तुम पूरी डिश जो है ना वो तरबियत वाली बनाना शुरू कर दो। एक और आप सल्लम का भी जो अक्सर जो अहदीस हैं और जो चीज़ें नज़र आती हैं हमें आप सल्लम से, वो लंबे बयान नहीं है, वो टू द पॉइंट सिचुएशन से रिलेटेड वन लाइन कोट है या दो लाइनों की अहदीस है या बस एक 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 स्टोरी है और बाकी में ये और वो याद रह जाती है। बिल्कुल सही बात जी सर। सेकंड पॉइंट जो आप बता रहे हैं, हाँ मैं दूसरे था कि अपने असातिज़ा से मैं बड़ी माजत के साथ और मैं बहुत छोटा हूँ उनके सामने, बड़े बड़े असातिज़ा यहाँ पर, मेरी उनसे गुजारिश ये है कि देखें बहुत सारी चीज़ें हम लोग करते हैं खुदा के वास्ते, क्लास में खड़े होके किसी शख्स को बुरा मत कहें, ये मेरी इल्तजा है सबसे, किसी को भी बुरा ना कहें, अच्छाई बयान करें, बुराई बयान ना करें। याद रखें जब आप किसी की बुराई बयान करेंगे ना तो आपको साबित करना पड़ेगा कि वो बुरा है, आपको साबित करना है, और जब आप किसी की अच्छाई बोलेंगे ना तो उस शख्स की जिम्मेदारी है कि वो इस बात को साबित करे कि वो अच्छा है। तो अपने ऊपर जिम्मेदारी ना लें, क्योंकि अगर आपने किसी की बुराई कर दी तो फिर आपको साबित करना पड़ेगा वो बुरा है और उसमें आपको उसकी 10 बुराइयां और करनी पड़ेंगी। गीबत यानी कितना बुरा इसको कहा गया है, मैं उलमाए कराम के कोट है वही आप सामने कोट कर सकता हूँ वरना मेरे जबान से पता नहीं क्या निकल जाएगा, कि जैसे आपने अपने सगे भाई का गोश्त खाया हो, अपने मरे भाई का गोश्त खाया हो, ये है गीबत, मतलब इस हद तक इससे नफरत की गई है। तो अब आप सोच ले कि अगर आपने किसी को बुरा कहा तो आप फिर आपको साबित करना पड़ेगा उसको, उसके लिए आपको और बुराइयां करनी पड़ेंगी उसको, वो गीबत है। तो ये इस चीज़ से परहेज करें, ठीक है, हर शख्स है ना, हर शख्स की अच्छाइयाँ और बुराइयाँ मजमूआ है, हम कोई भी हाजी कोई भी कोई यहाँ पे फरिश्ते नहीं है, और उस्ताद इंसान है, उस्ताद भी गलतियाँ मुझसे भी होती है यार, मैं भी इंसान हूँ, मुझसे भी गलती होती है, आपसे भी गलती होती है, माफ़ करना सीखें, दरगुजर करें यार, लोगों के सामने उनकी बुराइयाँ बयान करना क्यों शुरू कर देते हैं यार। तो खुदा के वास्ते इस चीज़ को ये बच्चे के दिमाग में बड़ी बुरी बड़ा बुरा असर करती है,
बच्चा आपको अपना हीरो मानता है। मैं इस बात को बड़ा ऑब्जर्व करता हूँ, जब क्लास में खड़े होते हैं बच्चा जिस अकीदत से हमें देख रहा होता है, जिस मोहब्बत की नजर से हमें देख रहा होता है, हम तो मतलब अपने आप को एकदम शर्मिंदगी महसूस करते हैं कि मैं इस काबिल नहीं, इस काबिल बच्चा मुझे समझ रहा है। वो इस अकीदत से आपको देख रहा है और वो आपको फॉलो करता है। जैसे मेरा मानना है कि जैसे सदका जारिया होता है ना, कि आपने एक पानी का नल लगाया, उसमें से एक कौवे ने पानी पिया, उसे जाके आगे उसको सैराब किया, एक आदमी ने पानी पिया, उसने जाके नमाज पढ़ी, उसकी नस्लों ने नमाज पढ़ी, सबका अकाउंट आपके, सबका हिसाब आपके अकाउंट में आ रहा है। इसीलिए गुनाह जारिया भी होता है, मेरा मानना है गुनाह जारिया भी होता है कि आपने एक बच्चे के दिमाग में गलत बात डाली, उसने आगे जाके उसको फॉलो किया, उससे आगे जाके उसको फॉलो किया, उसने आगे वाले फॉलो किया, ये सारे गुनाह आपके अकाउंट में आएंगे, आप बचवा जी सकते। मैंने कहीं सुना है उलमा से कि क्यामत में दोजख की आग जो है ना वो उलमा से दहकाई जाएगी। सबसे पहला हिसाब किताब तो उलमा का होगा कि आप इधर आ जाए भाई, कौम को सिखाया क्या तुमने? कौम बोलेगी ये मेरा उस्ताद था, इसने नमाज का वक्त था, नमाज का वक्त था, मेरी क्लास चल रही थी, इसने नहीं मुझे नमाज के लिए जाने दिया, इसने मुझे बोला नहीं नमाज के लिए, इस ये शख्स मेरे सामने खड़ा था, इसको पता है झूठ का कितना बड़ा गुनाह होता है, इसने मुझे बताया नहीं क्लास में, ये मुझे फिजिक्स पढ़ाता रहा, ये मुझे केमिस्ट्री पढ़ाता रहा, ये मुझे मैथ्स पढ़ाता रहा, इसने बताया नहीं कि झूठ इतनी बड़ी बुराई है, मुझे पता ही था, या अल्लाह पाक ये वो शख्स, इसको पकड़ो अंदर करो। तो मैं तो खौफ के मारे कई दफ़ा रातों को नींद उड़ जाती है हमारी कि यार हम तो तरबियत कर ही नहीं पाते। तो छोटा सा काम जरूर तरबियत करें और खुदा के वास्ते किसी की बुराई मत करें। बस ये मेरी बड़ी गुजारिश है अपने मेरे मोहतरम जितने भी असातिज़ा इकराम है, मेरी उससे बड़े हैं उससे छोटे हैं, मेरी बड़ी गुजारिश है उनसे कि ये मत करें खुदा के वास्ते। तो ये थोड़ी सी असातिज़ा से मेरी गुजारिश थी। सर मैं बहुत बहुत आपका शुक्रिया अदा करूंगा, आपने इस मसरूफियत के टाइम में वक्त निकाला और बहुत कंसाइस और कॉम्प्रिहेंसिव बात आपने दोनों लोगों के लिए कह दी कि पेरेंट्स को क्या करना चाहिए और हमें क्या करना चाहिए। सर बहुत बहुत शुक्रिया, हमें मुझे बहुत ज़्यादा मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुआ था आपकी कुछ वीडियोज़ देख के, फिर एक दो दफ़ा आपसे मुलाकात भी हुई कि जो है ना कि माशाल्लाह बहुत दिल को खुशी होती है कि जो है ना वो आपके लिए कॉमेंट भी आया। सर गालिबा आपकी कोई स्टूडेंट है या कुली है अलिश अली तो मुझे बड़ी मुझे जाती तौर पे बहुत ज्यादा खुशी हुई थी कि अल्हम्दुलिल्लाह के बच्चों को बच्चे जो ना दे आर इन सेफ हैंड्स। तो ये इंशाल्लाह सर दोबारा फिर कभी आपको सहमत देंगे क्योंकि हमारी ऑडियंस में लोग आते रहते हैं, तो हम मेरा जाती यही कि जो आपकी क्लासरूम में जो चीज है ना वो निकल के हम लोगों को पता चले, जो जो अभी यंग टीचर्स हैं या जो हम टीचिंग की तरफ जो लोग प्लान आउट कर रहे हैं कि किस तरीके से टीचर अपनी इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझता हुआ आगे बढ़े। जरूरत है कि सब असातिज़े ग्राम से ही के सीखें, ट्रेनिंग लें, हमारे यहाँ ट्रेनिंग की बड़ी कमी। सही सर, कोई आखिरी बात अगर आप कहना चाहें तो वो ऑडियंस से कह दें, फिर हम बस अपने मकासद जो है जिंदगी के वो बड़े ऊंचे रखें, कभी भी जिंदगी का छोटा मकसद ना सेट करें, क्योंकि छोटे मकसद सेट करने वाले जिंदगी में शायद हमेशा नाकाम रहते हैं। एक बड़े मकसद के लिए अपनी जिंदगी को वक्फ करें और तालीम को माश से, तालीम को नौकरी से या पैसों से कंपेयर कभी मत कीजिएगा अगर हमें जिंदगी में आगे बढ़ना है। बस ये मेरा मकसद। ठीक है, जज़ाकअल्लाह सर, बहुत बहुत शुक्रिया, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।